नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे कन्वेंशनल लोको में टीएलटी यानी कि टोटल लॉस ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट, कर्षण बल की पूर्ण हानि। इसका मतलब ये होता है कि जब एमपी से नॉच लेते हैं तो बिल्कुल भी एलएसजीआर भी नहीं बुझता है और गाड़ी भी नहीं चलती है, पूर्ण हानि उसको कहते हैं। साथियों, और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाके जो भी वीडियो आपको देखना हो वो देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और दोस्तों, ऑडियो की खबरी ऐप को फॉलो करना न भूलें, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं भेज दिया है, तो वो भी आप खबरी ऐप को भी फॉलो कीजिए और उसमें ऑडियो सुनिए, वो ऑडियो की ऐप है। तो बात करते हैं कर्षण बल की पूर्ण हानि। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एलएसजीआर देखना है। नॉच लेने से पहले एलएसजीआर प्रकाशित होना चाहिए, लेकिन अगर वो पहले से बुझा हुआ है तो दूसरे पायलट लैंप भी चेक करेंगे और CCLS भी चेक करेंगे। CCLS अगर पिघल गया है तो उसको बदली करेंगे, होबा को ऑफ पे रख के फिर उसको वापस बदली करेंगे, और फिर CCLS मेंटेन नहीं रहता है तो QRS को वेज करके बिना पायलट लैंप के गाड़ी चलाएंगे। वो एक अलग बात होती है, उसका अलग से टॉपिक होता है कि बिना पायलट लैंप के कैसे गाड़ी चलाना है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ देखा आपने कि LSGR BL को अनलॉक करने पर प्रकाशित था, और जैसे नॉच लेते हैं एमपी के द्वारा तो एलएसजीआर नहीं बुझता है। तो तुरंत हमें, जब भी एमपी के द्वारा नॉच नहीं आती और एलएसजीआर नहीं बुझता, तो तुरंत ईईसी से गाड़ी चलाने का प्रयत्न करना चाहिए, इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल बीपीपी के द्वारा। अगर उससे चल जाती है तो फिर ट्रबल शूटिंग बाद में करना चाहिए, लेकिन इससे चल जाती है तो फिर इससे गाड़ी चला लेना चाहिए। अब ईईसी से भी गाड़ी नहीं चलती है, एमपी से भी नहीं चलती है, तो सबसे पहले वहीं लोको पायलट डेस्क पर LSB को चेक करेंगे। LSB अगर प्रकाशित है तो Q50 चेक करेंगे। Q50 एनर्जाइज नहीं है, TR पैनल पे देखा Q50 एनर्जाइज नहीं है, फिर J1 J2 ये HT कंपार्टमेंट में जाके चेक करेंगे लोको को ग्राउंड करके। J1 और J2 और CTF, J1 J2 जाने वाली दिशा में सेट होने चाहिए और CTF तीनों थ्री जो है 1 2 3 रनिंग पे होने चाहिए, आर पर होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उनको हाथ से कर देंगे, हाथ से सेट करेंगे। और यहाँ पे C145 जो कॉन्टैक्टर है, जो रियोस्टेटिक ब्रेकिंग के समय काम आता है, वो ओपन होना चाहिए। उसको आँख से देख के या पिस्टन के द्वारा भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रोवाल के द्वारा। और TR पैनल पे जाएंगे, LSC145 बुझा होना सुनिश्चित करेंगे, बुझा हुआ होना चाहिए। अब ये भी बुझा हुआ है और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो Q50 को फिर वेज कर देंगे, ठीक है। और Q50 को वेज करने पर जो सावधानियां मैंने बताई हुई है उसके हिसाब से सावधान रखेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि रिवर्सर आप देखने गए, लेकिन कोई एक रिवर्सर है वो सेट नहीं होता है, यानी कि हाथ से भी अपन करते हैं, इलेक्ट्रोवाल से भी करते हैं, लेकिन वो सेट नहीं हो रहा है, तो उस रिवर्सर को बीच में लॉक कर देंगे। और जिस जो रिवर्सर बीच में लॉक किया है उस RSI ब्लॉक को आइसोलेट कर देंगे, ठीक है। तथा LSC 145 का बुझा होना चेक कर देंगे, LSC 140 बुझा हुआ होना चाहिए ताकि वो निश्चित हो जाएगा कि C 145 ओपन है। और Q50 को जब RSI ब्लॉक आइसोलेट कर दिया, Q50 को वेज कर देंगे। यदि कोई रिवर्सर इच्छित दिशा में सेट नहीं होते हैं तो संबंधित रिवर्सर की कॉइल के टर्मिनल निकाल कर टेप कर देंगे और उसको हाथ से मैन्युअली रिसेट कर देंगे और रियोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे ब्लॉक कब आइसोलेट किया, जब वो हाथ से भी रिसेट नहीं हो पा रहा था तब ब्लॉक आइसोलेट किया, लेकिन अगर हाथ से रिसेट हो जाता है तो कॉइल टर्मिनल निकाल देंगे और उसको हाथ से रिसेट करके दोनों ब्लॉक से गाड़ी चलाते रहेंगे। हालांकि ये ब्लॉक आइसोलेट करने वाली जरूरत बहुत कम पड़ती है, वो हाथ से रिसेट हो जाता है लाइन पर, प्रैक्टिकली अधिकतर हो जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, फिर भी नॉच नहीं आती यानी कि LSGR नहीं बुझता, तो LSP चेक करेंगे। LSP क्यों प्रकाशित होता है, QD Q48 के कारण। तो यहाँ पे Q48 चेक करेंगे अगर वो प्रकाशित है तो। अगर Q48 देखा इनर्जाइज है तो उसको हाथ से थोड़ा टेप करेंगे, थपथपाने से वो छूट जाती है कभी कभी, फिर भी वो इनर्जाइज रहती है, तो HMCS द्वारा एक एक मोटर को आइसोलेट करके प्रयत्न करेंगे। फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो सेंडिंग COC बंद करके GR का हाथ से ऑपरेशन करेंगे। जब Q48 अटक जाती है तब की बात है,
इसकी भी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। सेंडिंग सीओसी इसलिए बंद करते हैं कि Q40R अटक गई है तो लगातार सेंडिंग होता रहेगा, इसके लिए सेंडिंग सीओसी बंद करते हैं और जीआर को हाथ से ऑपरेशन, क्योंकि हाथ से इसलिए कर रहे हैं कि एमपी के द्वारा आ ही नहीं रहा, ईसी से द्वारा नहीं आ रहा, तो फिर हाथ से ही करना पड़ेगा। वैसे इसकी भी ज़रूरत लाइन पर बहुत कम पड़ती है। अब ये भी बराबर है तो फिर आगे बढ़ेंगे, ऑटो फ्लेशर की एलईडी देखेंगे। अगर एलईडी प्रकाशित है तो सुनिश्चित करेंगे कि बीपी प्रेशर पूरा है कि नहीं, और एयर फ्लो इंडिकेटर की सुई जो है वो निर्धारित, जो है वो निर्धारित दिशा में जो स्टार्टिंग में आपने सेट की थी ना, वह होनी चाहिए। अगर सुई भी निर्धारित है फिर भी ये एलईडी प्रकाशित हो रही है तो CCLA से फ्यूज़ निकाल कर प्रयत्न करेंगे। कभी कभी होता है कि बिना कारण के भी एलईडी प्रकाशित हो रही है तो नॉच नहीं आने देगा वो, इसलिए फ्यूज़ को ही निकाल देंगे, ऑटो फ्लेशर के सर्किट को बाईपास कर देंगे। फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो PR2 को चेक करेंगे और PR2 को ओपन में वेज करेंगे, PR2 को ओपन में वेज कर सकते हैं, उससे भी ऑटो रिग्रेशन आ जाती है, यानी कि उसका कट पैदा होता है ना V2 पे, Q51 को इनर्जाइज कर देता है, तो Q51 का NC इंटरलॉक V1 पे खुल जाएगा तो नॉच नहीं आने देगा, इसलिए PR2 को ओपन में वेज कर देंगे। अब यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लोको है तो HPAR या HQ51 रहता है ना, उसको जीरो पे रख देंगे। फिर नॉच नहीं आता है तो BP प्रेशर चेक करेंगे, यानी कि QRS इनर्जाइज होना चाहिए इसके लिए, और IP मैग्नेट वाल का COC खुला होना चाहिए, वो भी चेक करेंगे। यदि BP प्रेशर कम है और VCD ऑपरेट हुई है तो VCD को रिसेट करेंगे। हालांकि VCD ऑपरेट होगी तब हमें मालूम तो पड़ ही जाएगा, फिर भी देख लेना, VCD ऑपरेट हुई है तो VCD को रिसेट करेंगे, रिसेट नहीं होती है तो HVCD के द्वारा उसको आइसोलेट कर देंगे। सफलता नहीं मिलती है तो यहाँ भी वही CC VCD फ्यूज़ को निकाल कर प्रयत्न करेंगे, या फिर VCD के दोनों मेन यूनिट रहते हैं उसके दोनों कनेक्शन को निकाल देंगे। यदि VCD माल फंक्शन करती है तो सिर्फ एक बार ही रिसेट करें, दूसरी बार में VCD को आइसोलेट, यानी कि बार बार VCD को चांस नहीं देना है। हमको लगता है कि मैं एक्नोलेज तो ठीक तरह से कर रहा हूँ फिर भी ये ऑपरेट हो रही है, तो एक बार में उसको हम आइसोलेट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, QRS चेक करेंगे। अगर QRS इनर्जाइज नहीं है तो RGB2 का कटआउट को खुला होना चेक करेंगे। NI द्वारा BP प्रेशर 2 kg तक ड्रॉप करेंगे, 2 kg तक BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे और वापस उसको रिलीज पर रखेंगे, QRS इनर्जाइज हो जाती है, और फिर चेक करेंगे। अगर फिर भी नहीं होती है तो QRS को वेज कर देंगे। फिर भी इतना करने पर भी नहीं होता तो ZSMS एक पर देखेंगे। ZSMGR हैंडल खड़ी स्थिति में होना चाहिए, SMGR स्पिंडल दबा नहीं होना चाहिए, और SMGR गेज में 2.5 से 3.5 kg प्रेशर होना चाहिए। अगर प्रेशर कम है तो फिर GR को हाथ से कंट्रोल करेंगे। अब इतना करने के बाद फिर से EEC द्वारा ट्राई करेंगे, Q51 और 52 डी एनर्जाइज है सुनिश्चित करेंगे, और DJVCB ओपन करेंगे, GR को 2-3 बार हाथ से ऑपरेट करेंगे, DJVCB क्लोज करेंगे, MPEC द्वारा प्रयत्न करेंगे, और लास्ट में इतना ट्रबल शूटिंग करने पर भी फिर भी नहीं होता है तो फिर GR को हाथ से ऑपरेट करेंगे। ये हुआ LSGR, नहीं बुझता है तो हमें क्या कार्रवाई करनी है। अब अगले वीडियो में देखेंगे हम LSGR बुझ जाता है तो क्या कार्रवाई करनी है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि मैं इस प्रकार के और भी वीडियो बनाता रहूं।